अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी जारी होने के मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव बकरहट्टा और पूर्व अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा को सीसीए नियम 16 के तहत नोटिस देकर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसड़ ने जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि इस बेहद संवेदनशील मामले में राज्य सरकार पूरी गंभीरता और तत्परता से एक्शन ले रही है। पूरे अप्रैल से लेकर ये मध्य मई तक जो एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही भारी ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ ये जो गोरखधंधा जो उजागर हुआ, ये सब तथ्य को देखकर और ये जो रिपोर्ट आज आई है, हमने उनको जो है 16 सीसीए का नोटिस आज ही हमने थमा दिया है दोनों को और डॉक्टर बागड़ी को हमने सस्पेंड करके और हटा दिया है वहां से उनके पद से हमने हटा दिया है और 16 सीसीए का नोटिस हमने नोटिस दिया है। तो पहली चीज जो है कि 2020 से ये गोरखधंधा चल रहा था, हमारी सरकार के टाइम में अभी हमने ही इसको उजागर किया और जब हमारे पास जो भी रिपोर्ट आई हमने उसमें कड़ी सजा दी, प्रिंसिपल को बर्खास्त किया हमने मेडिकल कॉलेज एसएमएस से, सुपरिंटेंडेंट को हमने बर्खास्त किया सुपरिंटेंडेंट के पद से, वाइस चांसलर को हमने गवर्नर साहब से मिलके सब तथ्य बता के उनको हमने रेजिग्नेशन उनका उनसे करवाया, रेजिग्नेशन उन्होंने दिया और अब डॉक्टर बागड़ी के ऊपर भी हमने बहुत कड़े कदम